हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये जवाब दीजिए, जो आपने मुझसे टाइम मांगा था, क्या उस टाइम को यूटिलाइज किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि टीचर सिर्फ, आप देखिए, ऑफलाइन में तो आप बैठे हुए नहीं हो जो आपके कान पकड़ के कुछ पूछ लिया जाए, लेकिन आपको अपने दिल से पूछना होगा कि हाँ भैया ने जो टाइम दिया था, जैसे आप लोग कह रहे थे कि भैया टारगेट्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, अब इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है, टारगेट्स कम कर दिए गए हैं, आप थोड़ा थोड़ा करते चलिए, लेकिन चलिए जरूर। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक दिन में चाहे एक ही चैप्टर कंप्लीट कीजिए, लेकिन चलिए जरूर। अगर आप रुक गए फिर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप चलते रहे, चाहे थोड़ा थोड़ा भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली चीज़ें कंप्लीट कर लोगे। और ड्यूरेशन व्यूरेशन की टेंशन आप छोड़ दो, उसकी टेंशन आप हम पे छोड़ो कि कब तक रहने वाला है, क्या है। आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया है, इवन मैं खुद कह रहा हूं कि अभी तक आप लोगों को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है। आगे आगे आप देखते जाइए, जब आप लोगों का पेपर आने वाला होगा उससे पहले की चीजें, और दूसरी चीज जब आप लोगों का पेपर चल रहा होगा उस टाइम की चीजें। अभी तो आपके पास बहुत कुछ जाने वाला है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया तो कुछ दिया ही नहीं है। दूसरी चीज, आप लोगों के पास मोर देन इनफ टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप जिस दिन जैसे कहेंगे, देखिए जैसे टारगेट डे 9 पिछले हफ्ते आता, लेकिन फिर इस हफ्ते आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि टारगेट ज़्यादा हो गए। अब मैंने पूरा ध्यान रखा है कि आप लोगों का जो टारगेट है वो कम कर दिया जाए, जिससे कि अभी आप लोगों के ग्रुप डी के फिजिकल भी आ रहे हैं, तो आप लोग फिजिकल को भी अच्छे से टाइम दे पाओ, आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर भी ना रहे। कुछ लड़के टेक्निकल तैयार कर रहे हैं तो वो टेक्निकल भी तैयार कर सकें। इवन बस मेरा मानना यह है कि आप नॉन टेक्निकल को बिल्कुल छोड़ ना दो, क्योंकि इसी के बेस पर सिलेक्शन होना है। ALP के अंदर पार्ट ए जो है वो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का लगभग नॉन टेक्निकल ही है, उसमें टेक्निकल जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी पूरी फिजिक्स ही है वो, तो इसलिए आप लोगों को नॉन टेक्निकल तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के मार्क्स आप लोगों के जुड़ने वाले हैं, चाहे वो, अब देखिए JEE की बात करें तो JEE में जब आप प्री पास करके जाओगे तभी तो मेंस दे पाओगे, और प्री क्लियर नहीं हुआ फिर क्या करोगे। इसलिए, और गला काट प्रतियोगिता है आप लोगों के सामने। अब चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कि वो टॉपिक क्या है। गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, 1-1.5 साल पहले भी मैंने आप लोगों को जितनी मोटिवेशनल वीडियो दी, उनमें हमेशा आप लोगों से एक ही बात कही मैंने कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से बदल रही है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये कल परसों मैंने आप लोगों को सेंड किया था, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये तो चलिए इसको बैक करते हैं। कल परसों आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो सेंड की थी आप लोगों को, ये वीडियो एक बार सुन लीजिए, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल चुकी, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा, समझ रहे हो? जो बचेगी कि नहीं बचेगी इसका भी डिबेट होगा। अभी आगे देखिए, बात पलट दी है वो, लेकिन रियलिटी यही है। अब आगे देखिए, ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है। ड्राइवरलेस कार, ना सिर्फ कार बल्कि ट्रेन्स भी ड्राइवरलेस चलेंगी। आप ये समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद एम्प्लॉयमेंट घटेगा ही, बढ़ने की तो उम्मीदें बहुत कम है, और अगर बढ़ा भी तो जो आपके पास डिग्रियां हैं ये सब लगभग बेकार हैं, ये समझ लीजिए। आपको कुछ नई स्किल्स डेवलप करनी होंगी तब आप उसके अनुसार ढल पाएंगे, ये चीज आप समझ लीजिए। और लड़कों को लग रहा है कि कुछ नहीं, ये अगर आप लोगों को चांस मिल रहा है ना, जो आप लोगों के सामने है, जिसे अभी लड़कों को लग रहा है कि अरे कुछ नहीं है, कर लेंगे, गला काट प्रतियोगिता है, ये आप समझ लीजिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, और यही चीज मैंने अभी आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा, 1 साल पहले से आप लोगों को समझा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात की आप लोगों के सामने संतुष्टि मतलब कर दी है, आप लोग इस चीज को देख लीजिए, वो भी बोल रहे हैं यही बात, और ये कोई नई नहीं है, सब लोग इस चीज को, जो जानकार है उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। जॉब बचानी मुश्किल होंगी, इवन मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, हमारे लिए भी जॉब बचानी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि जॉब, अब देखिए किसी के लिए जरूरी है किसी के लिए नहीं है वो बात अलग है, कोई बिजनेसमैन है, लेकिन जॉब बचाना भारी पड़ जाएगा, ये हाल होने वाला है। अब यहां देखिए, ड्राइवर का क्या, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की भारी संभावना बढ़ने वाली है। पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है, उसके लिए नई जनरेशन तैयार, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है।
वो तो आप लोगों को भी पता है, इसमें दो राय कहने के लिए तो है नहीं कि जब एक रोबोट 10 लोगों का काम करेगा ना, 50 लोगों का काम करेगा, तो वो आपको पता है कि कितना रोज़गार बचेगा। पहले धान काटने के लिए मजदूर जाते थे, आज मशीन से धान काट जाते हैं, पता है कितने लोग क्या। तो जब आप अपने खेतों में, आप अपनी चीज़ में टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हो, तो क्यों बाकी चीज़ें या कंपनीज टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगी, ये बताइए। हर कोई टेक्नोलॉजी अपनाएगा, और टेक्नोलॉजी अपनाने से रोज़गार जो उत्पन्न होंगे वो उन लोगों के लिए होंगे जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों को नॉलेज है उस चीज़ की। और अगर आपने सिर्फ ऐसे ही डिग्री ले ली है, कुछ कर लिया है और आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आगे आप लोगों के लिए चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए भैया, और जितने ये बेरोजगार होंगे, जैसे अभी ये बोल रहे हैं मोदी जी ने बोला कि भैया आप लोगों की फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछे तक नहीं, ये अवस्था दूर नहीं है। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, समझ आ रही है? आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला। समझ आ गई ना कि ये हाल आप लोगों के सामने होने वाला है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मत समझना कि इस चीज में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम वाइम कुछ नहीं लगेगा, और ये चीजें अब स्टार्ट होने वाली हैं। अभी हम टारगेट पे बात करते हैं, आप लोगों के टारगेट्स पे भी बात करते हैं, ठीक है? तो गाइज, इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि आगे जो जमाना है वो बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। अगर आप लोगों के पास इस टाइम पे चांस है तो मेरे भाई अपना सिलेक्शन ले लो, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा रोना ही रह जाएगा और बाकी कुछ चीजें बचनी नहीं, ठीक है? इसलिए अगर आप लोगों के पास चांस है, देखिए ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब में हैं उनको निकाल के फेंक दिया जाएगा, इन लोगों को कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेंगे, लेकिन आगे आने वाली भर्तियां उन पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। तो अगर आपके पास ये चांस है तो इसे मत गवाना, बस मेरा कहने का मतलब ये है। अब हाँ हाँ चलिए, अभी चलो बाद में देखिए, आप लोगों ने ये चीज़ देखी, अब जरा एक बार देखिए एक साल पहले की वीडियो, ये एक साल पहले की वीडियो है मोटिवेशन, इसमें जरा सुनो क्या बोला है। स्टार्टिंग देखो इसकी स्टार्टिंग देखो, एड ना आ जाए भगवान, रुको रुको, ड्राइवर लेस ट्रेन आ गई, रोबोट क्या कर रहे हैं, ये वाला काम भी रोबोट कर रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, तुम सोचना भी मत कि इससे अच्छा चांस मिल जाएगा, सीटी आने वाला है। देखो 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 अब देखो, डेली सुन रहे हैं कि भाई क्या हो गया, ड्राइवर लेस ट्रेन आ गई, रोबोट क्या कर रहे हैं, ये समझ आ रही है, ये वाला काम भी रोबोट कर रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, तुम सोचना भी मत कि इससे अच्छा चांस मिल जाएगा, सीईटी आने वाला है, ऊपर से तुम लोगों को पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है, सीईटी में इंग्लिश आ जाएगी, आईटीआई वाले ग्रुप डी में एलिजिबल होंगे, इससे अच्छा चांस जिंदगी में नहीं मिल सकता, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं लिया गया तो तुम लिख। तो गाइज, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी कि आगे फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए भैया, अगर आपके पास जो हम देखो ऐसा है ना, जिन लोगों के पास नॉर्मल डिग्रीज हैं जैसे हम लोग हैं, और हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, तो ये हमारे पास बेस्ट चांस है कि हम लोग जॉब ले लें, अदरवाइज दिक्कतें तो हैं ही, वो आप लोगों को पता है। चलिए लंबा हो गया, लेकिन वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बताई। ये एक डेढ़ साल पहले से मैं भी आप लोगों को सजग कर रहा हूँ, और ये चीज़ें ऐसा मत समझना कि 2050 में आएंगी, 30 में आएंगी, बहुत जल्दी आने वाला है। जो पीएम मोदी जी की स्पीच भी सुन सकते हो, उसमें वो ही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये चीज़ आने वाली है। तो वो तो मोदी जी हैं, उनकी तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से बात होती है, तो आप लोगों को पता ही है कि ऐसा तो है नहीं कि वो झूठ बोल रहे होंगे, वो रियलिटी है, और आप लोगों को बताया जा रहा है कि भैया फ्यूचर ये होगा। अब आप लोग अगर अभी भी नहीं संभले तो ये आप लोग संभालिएगा। देखिए टारगेट काफ़ी कम कर दिया गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले कह रहे हैं कि हम कहाँ से कंप्लीट करें, सबसे पहले तो आप स्पीडी पब्लिकेशन या स्पीडी प्रकाशन, इनमें से किसी की भी इंग्लिश मीडियम की एक मैगजीन ले लो, लेटेस्ट वाली दिसंबर वाली, ठीक है, जो मैं मार्क कर देता हूँ, उन चीज़ों को आप अपनी उस बुक से कंप्लीट कर लीजिए। और बाकी देखिए, जो स्पीडी की साइंस वाली बुक है वो तो इंग्लिश में आती नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को गूगल लेंस से कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। तीसरा, जो एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं, मान लीजिए वैसे तो मैंने यूज़ किया है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, जब मैं लेक्चर बनाऊँगा तो उसमें और इंग्लिश को थोड़ा सा और ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोगों से कहूँगा, अगर कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना है, बस आप इतना लिखो, क्लास 9th एनसीईआरटी ग्रेविटेशन सीबीएसई,
आप लोगों को एक से एक बेस्ट लेक्चर मिल जाएगा। CBSE लिख दो, ICSE लिख दो, आपको इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छा कंटेंट वहां से मिल जाएगा। उस चीज़ से आप कंप्लीट कर लो, NCERT कंप्लीट कर लो। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, NCERT कंप्लीट करने से ही काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये तो वन लाइनर चीज़ें हैं, ये तो आप कंप्लीट करोगे ही। बाकी जो GK है, देखिए GK में मैंने आप लोगों को कहा जैसे डैम्स करने, आपने डैम्स की ट्रिक व्रिक इधर उधर से देख लो, लेकिन उसके बाद अपनी इंग्लिश वाली बुक से उस चीज़ को लिख लो, अपने आप अपने दिमाग से उस चीज़ को एक दूसरे से बना लो ट्रिक्स अपने की, यहाँ से इस चीज़ को जोड़ूंगा, ये करूँगा। क्योंकि हिंदी की ट्रिक इंग्लिश में तो ऐसे काम आएगी नहीं एज इट इज़, लेकिन आप लोग ध्यान रख सकते हो उन चीज़ों का। इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें करनी होंगी। मैथ्स के लिए आप जो मन करे वो बुक ले लो इंग्लिश में, और आप लोगों का उस चीज़ से काम हो जाएगा। बाकी रीजनिंग है तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी करते रहोगे तब भी काम हो जाएगा। अदरवाइज बाकी अच्छे अच्छे टीचर्स की बुक आती हैं, मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी ना करो, राकेश यादव की जो इतनी सी क्लास नोट्स आते हैं वो भी आप उठा लोगे तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा। समझ आ रही है ना? तो इतना आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं जल्दी से स्टैटिक GK पे। आप लोगों के लिए वैसे देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है जो आपको छोड़ दिया है, अब आगे लिखा नहीं है क्योंकि आप लोगों ने मुझे डरा दिया कि ज़्यादा मत कराओ। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आप लोगों को करना है, जो इंटरनेशनल लाइन है ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है, आप लोगों को पता होगा। चाहे वो भारत चाइना की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात हो, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसलिए एक एक इंटरनेशनल लाइन के बारे में पता होना चाहिए, किन दो देशों के बीच कौन सी इंटरनेशनल लाइन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आप लोगों के लिए आगे के टॉपिक्स, क्योंकि अभी झड़प चल रही है तो आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके बाद है सितंबर इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आप लोग कवर करेंगे। और सिर्फ इतना ही मैंने आप लोगों के लिए रखा है, बिल्कुल टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत है नहीं। अब मैं आगे अगर बढ़ूं तो आगे आप लोगों का जो साइंस है, साइंस में आप लोगों का रखा है मैंने उत्सर्जन तंत्र, इसकी आप लोगों को वीडियो दी जाएगी, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिए। आप लोग अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे सारा कंटेंट दिया जाता है और इसका कंटेंट एप्लीकेशन पे भी अपलोड किया जाता है। ठीक है गाइज, अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों का जो दिया गया है वो है उत्सर्जन तंत्र, ये आप लोग करेंगे। इसके देखिए प्रीवियस ईयर के लिए मैं आप लोगों से कहूँ, जैसे प्रीवियस ईयर करें, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर का सेट भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो ग्रुप डी के पेपर हुए हैं ALP का भी सेट प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे तो अपने सेट हैं, अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर देखने हैं ग्रुप डी में कैसे आए थे तो आप उन सेट से देख सकते हो, 99 सेट्स हैं। उससे हम लोग बुक भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी मैथ वाली जो बुक है, उसमें से भी क्वेश्चंस उठा उठा के डाल रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वाले, जिससे कि आप लोग उसके फेमिलियर हो सको। और ALP के भी क्वेश्चन डाल रहे हैं, CVT 1 के भी और CVT 2 के भी, सारे क्वेश्चंस बना के आप लोगों की बुक तैयार की जा रही है मैथ्स वाली। ठीक है, और इसी तरीके से साइंस वाली बुक भी तैयार करेंगे, अभी बहुत टाइम है, आ जाएगी, लेकिन उसमें जल्दबाजी नहीं है अभी। अभी ये हो गया, इसके अलावा आप लोगों को PYQ करने हैं ऑल चैप्टर्स के। कौन से चैप्टर्स हैं यहाँ पर, पहले ये जो चीज़ है, आठवां, नवां और दसवां। आठवां चैप्टर आप लोगों का कौन सा था, एक मोशन वाला चैप्टर आप लोगों ने करा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो भी आप लोगों को करना है। इसके अलावा आप लोगों ने ग्रेविटेशन करा है, उस चीज को भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो चैप्टर करे हैं आपने 8, 9 और 10 NCERT में, इन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। चाहे आप खान सर की बुक से लगा लीजिए, चाहे आप यूथ से लगा लीजिए, जहां से आपका मन करता है वहां से लगा लीजिए, कोई भी बाउंडेशन आप लोगों के लिए नहीं है, ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा आप लोगों को करना है पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियां, जो पौधों से हमें औषधियां प्राप्त होती हैं वो आप लोगों को कंप्लीट करनी रहेंगी, इसका मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स में, तो मैथ्स में आप लोगों के लिए पाइप एंड सिस्टर्न वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों के लिए रखा गया है। कौन सा टॉपिक, पाइप एंड सिस्टर्न वाला जो टॉपिक है। अब पाइप एंड सिस्टर्न में आप लोगों को जो लेक्चर है वो हमारा भी पढ़ा हुआ था, जो मैंने अभी हटा दिया है। ठीक है, और पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को वो वाला लेक्चर दे देंगे। अदरवाइज आपका जिस टीचर से मन करता है आप उस टीचर से कंप्लीट करिए पाइप एंड सिस्टर्न। मैंने जो लेक्चर आप लोगों को दिया था उसके अंदर कॉन्सेप्ट आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर आज आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स कर लीजिए। ठीक है, और किसी भी चीज को करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देख लिया करो कि किस टाइप के हमारे में क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि आप जिस टीचर से वीडियो में पढ़ रहे होगे ना तो आपको पता रहेगा कि ये वाली चीज मेरे पेपर में आई हुई है, तो उस चीज पे आप ध्यान ज्यादा दोगे। अदरवाइज क्या होता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप सारी चीजों को इंपॉर्टेंट समझ लेते हो, तो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट नहीं समझनी है, इस चीज को समझ लीजिए। जो चीज CGL के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए नहीं है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप, जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, कुछ चीज़ें हैं 70% मैच करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें जो CGL में आती हैं वो हमारे यहाँ भी आएंगी। इसलिए आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखा करो। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टर्न ये वाला आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करना है, पाइप एवं टंकी। और इसके अलावा जो रीजनिंग में आप लोगों के लिए चैप्टर दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। कौन सा है आप लोगों का, है वाटर एंड मिरर इमेज।
इसके कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेंगे। और अगर देखिए, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा करने पे अभी ध्यान मत दीजिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना, तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस चीज को मैं कह रहा हूं आप लोगों से, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। और ये एक हफ्ते में एक एक जो चैप्टर दिया जा रहा है ना, सिर्फ एक चैप्टर पर ही काम चल रहा है, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, ये सिर्फ इसीलिए दिया जा रहा है कि आप कम से कम एक हफ्ते में भी एक चैप्टर तैयार करोगे तब भी आप लोगों के पास काफी टाइम है, आप कर लोगे। अभी अभी बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन अगर उस टाइम पे चाहोगे कि इतना टाइम दे दें हम, तो पॉसिबल नहीं है। फिर तो हम भी स्पीड में रहते हैं, आप भी स्पीड में रहते हो। इसलिए भैया अभी आप लोग इन चीज़ों को तैयार करेंगे। इसके अलावा काउंटिंग्स ऑफ फिगर के प्रीवियस ईयर रह गए हैं, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ये वाले प्रीवियस ईयर करके, और बस आप लोगों का काम इनफ, इतना आप लोग कर लीजिए। बाकी माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो लंबी हुई, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आगे आने वाला जो समय है वो खेल नहीं है। अगर एक बार आप फिर से सुनना चाहते हो तेज आवाज में, तो ये आप लोग जरूर से जरूर सुनिए, एक बार सुन लीजिए। इतनी तेजी से काम की बदल गई, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा, जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी इसका डिबेट होगा। कार आने वाली, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की भारी संभावनाएं बढ़ने वाली है। पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है, उसके लिए नई जनरेशन तैयार हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज समझना आप लोग, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी ओपन नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तब नहीं, यह अवस्था दूर नहीं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब इस चीज़ को बंद करते हैं, और ख्याल रखिएगा आप लोग, टेक केयर।